गर्मियों में मेकअप ग्रे और केकी क्यों पड़ जाता है? तो आपको नहीं करनी है कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपके मेकअप को ग्रे और केकी बना सकती हैं, और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके मेकअप को ग्रे और केकी होने नहीं देंगे इन समर्स। तो मेकअप ग्रे होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्किन केयर, सीटीएम अच्छे से नहीं करना, रॉन्ग शेड फाउंडेशन यूज़ करना, कलर करेक्शन ना करना और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना। इस कारण भी मेकअप जो है वो ग्रे और केकी हो सकता है। तो चलिए, ये तो हो गए कारण, अब जानते हैं कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम मेकअप करें गर्मियों में जो हम केकी और ग्रे बेस को अवॉइड कर पाएँ। तो यही इस वीडियो का टॉपिक है, और चलिए आज स्टेप बाय स्टेप मेकअप बता रही हूँ और एक लुक भी बताऊँगी इसके साथ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मेरी तरह। मुझे अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और अंडर आइज़ पे भी स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा पहले हट जाया करता था या तो केकी हो जाया करता था, बट अब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है क्योंकि मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी पता हैं जिसकी वजह से मेरा मेकअप बिल्कुल भी ग्रे या केकी नहीं होता है, चाहे मैं गर्मियों में करूँ या विंटर्स में करूँ, कभी नहीं होता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। अगर आप लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो ज़रूर आपके बेस में इम्प्रूवमेंट होगा, ये चीज़ मैं 100% बोल रही हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले जो हमारा रीज़न है वो है सीटीएम या स्किन केयर अच्छे से ना होना, तो पहले हम वही फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा था क्लिनजिंग, और मैंने अपना फेस बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं करने वाली हूँ आइसिंग। आइसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इन समर्स। आइसिंग से जो भी आपके पोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं और बहुत अच्छे से आपका फेस जो है वो स्टे करता है। तो इसलिए आइसिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए जब भी आप समर्स में मेकअप कर रहे हो। तो मेरा मेकअप जो भी केकी होता था वो आइसिंग की वजह से बहुत ठीक हो गया, और मेरे बेस में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है आइसिंग की वजह से। तो आइसिंग ज़रूर करना चाहिए, तक ये स्वेटिंग को रोके रखता है क्योंकि पोर्स लॉक होते हैं और बहुत अच्छे से बेस जो है वो स्टे करता है। तो अभी मैंने अपने फेस पे आइसिंग कर ली है, मैंने 10 मिनट्स आइसिंग करी है अपने फेस पर। अब मैं अपने फेस पर तुरंत कुछ भी नहीं लगाऊँगी, मुझे 3 मिनट का वेट करना है, 3 से 4 मिनट मैं वेट करूंगी, उसके बाद ही मैं प्राइमर या मॉइस्चराइज़र जो भी है मैं लगाऊंगी। जितने कम से कम प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा बेस दिखेगा आपका, तो इसलिए मेक श्योर करिए कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। तो सीटीएम में ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। क्लिनजिंग करने के बाद टोनर मॉइस्चराइज़र अलग नहीं लगाना है आपको, जैसे कि आपने आइसिंग कर ली है तो अब आपको टोनर की नीड नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमें मॉइस्चराइज़र या प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमर आप ऐसा यूज़ करें जिसमें बहुत ही मात्रा में हाइड्रेशन भी है, ठीक है। तो मैं ऐसा वाला प्राइमर ले रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्राइमर है, तो मेरा मॉइस्चराइज़र का काम भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही कम क्वान्टिटी में आपको यूज़ करना है। मुझे 3 मिनट हो गए थे आइसिंग करने के बाद, फिर मैंने प्राइमर यूज़ कर लिया अपने फेस पे। मैंने पूरे 3 मिनट वेट किया है। वेट आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जब आप कोई स्टेप फॉलो करते हैं तो उसको अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने का, सटल होने का आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट अगर आप लगाएंगे तो आपका स्किन रिएक्ट करेगा और स्वेटिंग आएगी, बेस केकी बनेगा और क्रैक्स पड़ सकते हैं मेकअप में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको अपने सीटीएम में ना 3 मिनट या 4 मिनट का आपको टाइम देना है। दूसरा हमारा रीज़न था रॉन्ग शेड फाउंडेशन का यूज़ कर लेना, लेकिन उससे पहले हम आएंगे कलर करेक्शन पे। तो मेरा बहुत ज़्यादा जो मेकअप ग्रे होता था वो मेरे माउथ एरिया की तरफ से होता था, क्योंकि मैं यहाँ पर कभी भी मुझे पता नहीं था कि करना है कलर करेक्शन तभी ये बहुत अच्छे से हो पाएगा, तो मैं नहीं करती थी और मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लेती थी। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, लेना एक ऑरेंज कलर करेक्टर और उससे कलर करेक्शन करना है। आप ऑरेंज कलर करेक्टर के अलावा अपनी स्किन से 2 टोन डार्कर का कंसीलर भी ले सकते हो। ये जो कंसीलर है
ये मेरी स्किन से टू टोन डार्कर है, एज़ यू कैन सी ये डार्कर है मेरी स्किन से, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ एज अ कलर करेक्शन। मैं आपको अपने हाफ फेस में लगा के दिखा रही हूँ कि ये सच में कितना इफ़ेक्टिव है। इस फेस में देखिए और इसमें देखिए, अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ। तो हमने कलर करेक्शन कर लिया है, अब मेरा जो फेस है वो थोड़ा इवन लग रहा है देखने में। कलर करेक्शन करने के बाद आपको करना है थोड़ा सा, आपको पाउडर लेना है, थोड़ा सा पाउडर लेके पाउडर के साथ में कंसीलर को लॉक कर लीजिए हल्के हाथों से। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो बहुत ही लाइट कवरेज का होगा, तो ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो अब हमारा स्टेप है फाउंडेशन, जिसके लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन का सुपर स्टे। जो मैंने कलर करेक्शन के लिए यूज़ किया है कंसीलर, वो भी है मेबेलिन का एज रिवाइंडर कंसीलर। बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। तो चलिए अभी फाउंडेशन को हम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, फाउंडेशन हम ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो फाउंडेशन के मैं केवल 2 पम्प्स यहाँ पर ले रही हूँ, 2 पम्प्स। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फाउंडेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाटरी टेक्स्चर है इसका, दैट मीन्स ये बहुत अच्छा है। आपको फाउंडेशन को डायरेक्ट अपने स्किन पर नहीं लगाना है, इसको पहले फिंगर के साथ में अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगा इससे, इसीलिए जब फाउंडेशन या कोई भी क्रीम प्रोडक्ट हम यूज़ करने जाते हैं तो उसे पहले निकाल करके एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने से बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। फाउंडेशन आपको डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर पे लेना है और इस तरीके से डायरेक्ट एप्लीकेशन करनी है, जिससे कि बहुत ही लेस अमाउंट में फेस पर प्रोडक्ट लगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से। लास्ट में जब ब्लेंडर में थोड़ा सा प्रोडक्ट बचेगा तब आपको वहां पर यूज़ करना है जहां से आपका मेकअप सबसे पहले हटता है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, अगर आपके मेकअप में क्रैक्स पड़ते हैं या केकी होता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना है, आपको ज़्यादातर क्रीम प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। क्रीम प्रोडक्ट्स आप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप क्रैक नहीं करेगा कहीं से भी। मैं अब यूज़ करने वाली हूँ इसके बाद कॉन्टोर और ब्लश। मैं दोनों ही लिक्विड वाले यूज़ कर रही हूँ, ब्लश है रेयर ब्यूटी का और ये ब्रॉन्जर स्टिक है फॉरएवर 52 की, तो ये दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं कॉन्टोर यूज़ करूँगी, जहाँ जहाँ पर मुझे नीड है सिर्फ वहीं पर। इसके बाद मैं लिक्विड ब्लश ले रही हूँ, अब इन दोनों को मैं ब्लेंड करूँगी साथ में ही। पहले मैं कॉन्टोर को ब्लेंड करूँगी उसके बाद ब्लश को। मैंने कॉन्टोर और ब्लश यूज़ कर लिया है, अब मैं यूज़ करूँगी पाउडर। आपको ध्यान रखना है मेकअप को ग्रे होने से अगर बचाना है आपको, तो आपको पाउडर की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। पाउडर इस तरीके से लगाना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको अंडर आई कवर करनी है,
उसके बाद आपको पाउडर को आपको ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद इसको हटा देना है। अब इस ब्रश की हेल्प से मैं पाउडर को भी हटा दे रही हूँ, जो भी एक्सेस पाउडर है। बहुत ही हल्के हाथ से सारा पाउडर आप हटा दीजिए। जो मेरा बेस है वो कहीं से भी क्रैक नहीं लग रहा है और मेरी स्किन भी है जो बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है। इसी तरह से सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जैसे मैंने बताए हैं, फिर आपका जो बेस है कभी भी ग्रे और केकी नहीं बनेगा। ये चीज़ें आपको मुझे बतानी थी। और अब आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है, और मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए क्या आपको ये पहले से पता थे या नहीं पता थे, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ लुक्स अगर आपके माइंड में हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो जस्ट लीव अ कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।